हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, कतर में फिर से जो कोरोना वायरस का केसेज है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों। इसी दौरान कतर गवर्नमेंट फिर से नया रूल्स चेंज किया है दोस्तों, और जितने भी जो रूल्स लगाया था पिछले साल उसमें भी बहुत चेंजिंग किया है। तो आपको बता दूँ कि दो दिन पहले 31 दिसंबर 2021 को कतर गवर्नमेंट नया रूल्स लगाया है दोस्तों मास्क के ऊपर। आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों कि कतर में बहुत जल्द लॉकडाउन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो कोरोना वायरस का केसेज है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। इसीलिए आप सब होशियार होके रहिएगा, और बाहर अगर आप लोग जाते हैं तो मास्क जरूर यूज करें, क्योंकि बहुत ही जल्द कतर में लॉकडाउन होने वाला है दोस्तों। तो आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कतर गवर्नमेंट नया रूल्स क्या लगाया है फिर से। तो आप सब ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आप सब हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि 2021 साल हम सब के लिए बहुत ही बुरा साल था दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो फ्रेंड है, चाहे रिलेटिव है, चाहे फैमिली है, वो बहुत ही फेडअप हो गया था दोस्तों उस टाइम, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन था, जो पैंडेमिक था, वो बहुत ही बुरा हाल कर दिया था दोस्तों सबको। पर सबका एक ही आशा था दोस्तों कि अभी नया साल आएगा 2022, उसमें जो कोरोना वायरस का नाम खत्म हो जाएगा, फिर से नहीं आएगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, 2022 भी बहुत ही खतरनाक होने वाला है दोस्तों हम सब के लिए, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो केसेज वो कम नहीं हो रहा है, और दूसरी बात जो वेरियंट है, वो नया वेरियंट जो ओमिक्रॉन, वो बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है, अगर आप वैक्सीनेटेड है फिर भी आपको ये वायरस है वो अटैक कर देता है दोस्तों। इसीलिए आप सब अगर बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस जरूर कायम करें और बच के रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं, और वीडियो में ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप कतर में हो और आप मास्क यूज नहीं करते हो तो आपको कितना फाइन भरना पड़ सकता है। तो सारी बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले जो अभी जो रूल्स लगाया है 31 दिसंबर 2021 को, उसमें रूल्स क्या है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा दोस्तों। ये ज़रूरी हो गया है। पहले का था कि 2-3 महीने पहले कतर में जो कोविड का केसेस था वो बहुत ही कम हो गया था, उसी दौरान कतर गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया था कि बहुत सारे जगह पे मास्क ओपन था दोस्तों, मास्क लगाने का ज़रूरत नहीं था। पर अभी फिर से मास्क लगाना ज़रूरी हो गया है, तो अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो मास्क ज़रूर लगाना। रूल्स में और क्या है कि अगर जो भी बच्चा अगर 6 वर्ष से कम की उम्र है तो वो लोग बिना मास्क का भी चल सकता है, उसको मास्क लगाना ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, जिम हॉल में जा रहा है, उधर खुला प्लेस है, तो उधर भी मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। बात बाकी अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो उधर मास्क लगाना एक मैंडेटोरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। अगर आप लोग बिना मास्क का कहीं जाते हो, अगर पुलिस कैच करते हैं आप लोगों को, CID कैच करते हो, तो उस दौरान आपको बहुत बड़ा फाइन भी भरना पड़ सकता है। दूसरी बात बता दूं कि अगर आपके मोबाइल में एतराज ऐप नहीं है, उस दौरान अगर आपको पुलिस चेक करता है, कोई CID चेक करता है, अगर कैच कर लेगा बिना एतराज का, तो आपको उधर भी फाइन भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अभी ये मास्क का जो रूल्स है, जो एतराज ऐप का जो रूल्स है, बहुत ही टाइट है दोस्तों, बहुत ही हार्ड है। ये मैंडेटोरी कर दिया गया है कतर के अंदर दोस्तों। ये इसका पूरा संकेत अभी जा रहा है कि फिर से कतर में लॉकडाउन हो सकता है, अगर वो वायरस का जो केसेज है वो अगर कमती नहीं होगा तो। हम और एक बात और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, एक बात का कि अगर आप लोग कतर आने के लिए सोच रहे हैं, अगर आपका वीसा ऑलरेडी निकल गया है, रिलीज हो गया है, ऑनलाइन शो कर दिया है, तो आप लोग टिकट बुक करके आप अपना कंपनी से कॉन्टैक्ट करके कतर जल्दी आ जाना दोस्तों, क्योंकि फिर से कतर में लॉकडाउन हो सकता है। जो फ्लाइट का जो बंद होने का जो चांसेस है वो भी हो सकता है दोस्तों, इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी कतर आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।